अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें एक बार फिर से नीचे आ गई हैं। कच्चे तेल की कीमतों में नई गिरावट चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों की चिंताओं के बीच आई है। वहीं बता दें कि सोमवार यानी आज वायदा बाजार में कच्चे तेल की कीमत $1 से अधिक कम हो गई है, जबकि पिछले सत्र में तेल की कीमत मजबूत हुई थी। चीन में ओमिक्रोन के नए सब वेरियंट का पता चलने के बाद वहाँ की सरकार बड़े पैमाने पर मास टेस्टिंग की योजना बना रही है। इस रिपोर्ट के सामने आते ही कच्चे तेल की कीमतें गिरनी शुरू हो गई हैं। रूस यूक्रेन युद्ध और नॉर्वे द्वारा उत्पादन में कटौती करने की घोषणा के बाद पहले ही आपूर्ति के संकट से जूझ रहे कच्चे तेल का बाजार इस खबर से आशंकित हो उठा है। वहीं बता दें कि समाचार एजेंसी रॉयट्स के मुताबिक शुक्रवार को 2.3% चढ़ने के बाद ब्रेंट क्रूड वायदा बाजार में तेल की कीमत 1.02 या 1% गिरकर $106 रह गई है। वहीं यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी WTI क्रूड फ्यूचर्स शुक्रवार से 2% की बढ़त के साथ आज 1.3% गिरकर $103.41 पर आ गया है। दोनों बेंचमार्क क्रूड कॉन्ट्रैक्ट्स ने सोमवार को शुरुआती कारोबार की नरमी से उभर कर तेजी दिखानी शुरू की थी, लेकिन चीन में कोरोना के बढ़ते खतरे की खबर से बाजार गिर गया है। इसके अलावा तेल व्यापार केंद्र सिंगापुर सहित दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में सार्वजनिक अवकाश के कारण तेल का कारोबार कम हुआ। वहीं लेकिन बाजार इस खबर से एकदम बौखला गया है कि चीन के सिंघाई में एक अत्यधिक संक्रामक ओमिक्रोन सब वेरियंट का पता चला है। वहीं पिछले एक दिन में चीन के सबसे बड़े शहर सिंघाई में कोरोना के नए मामले 52 से बढ़कर बता दें कि लगभग 62 हो गए हैं। वहीं तेल की आपूर्ति को सरल बनाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस सप्ताह सऊदी अरब के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे, लेकिन इससे बाजार के तुरंत सुधरने की उम्मीद नहीं है। वहीं दरअसल बाजार पश्चिमी देशों द्वारा रूसी तेल की कीमतों को सीमित करने की योजनाओं के बारे में चिंतित है। उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंध अगर आगे जारी रहे तो इसके वैश्विक ऊर्जा बाजार में विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।